कहा जा रहा है कि जो जो मंत्रियों के कार्यालय का जिक्र आ रहा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय का जिक्र आ रहा है कि उसमें भी नया कार्यालय की तलाश रहे हैं, नया कार्यालय खोलने की बातें चल रही हैं, जो मैं आज सुन रहा था उसके फैक्ट्स में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। विकास के कार्य पूरे प्रदेश भर में रुके पड़े हैं, ठप पड़े हैं, एक ईंट आपके कार्यकाल में नए विकास के किसी योजना पर लगी नहीं, नई एक भी योजना आप पूरे प्रदेश में शुरू नहीं कर पाए, तो आखिरकार ये पैसा कहाँ जा रहा है, भगवान जाने, भगवान ही मालिक है इस सरकार का। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ों को लेकर के ऐसे हालात बन करके हमारे सामने है, और ऋण लो और ऋण ले करके आनंद करते रहो, और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वर्तमान में, उस हालात के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो आपका ये सरकार का सारा काम करने का तौर तरीका। कर्मचारी हताश है, निराश है। आपने तो कर्मचारियों के बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि अभी साल भर तक जो है, लगभग 8-9 महीने तक जो है, कोई भी हम जो है वो डीए की किस्त जारी करने की परिस्थिति में नहीं है। क्या आपको ये मालूम पहले नहीं था कि हिमाचल किस तरह की आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है? अगर मालूम था तो महज चुनाव में कर्मचारी आपके साथ खड़े हों, आपको समर्थन करें, सरकार बनाने में मदद करें, इसके लिए उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को मान के रखा आपने। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य है। मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद ऐसा दौर आ रहा है जहाँ कर्मचारियों को बाकी जो डीए की किस्तें, उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट और उनकी और जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, उनका समाधान तो दूर की बात लग रही है मुझे, लेकिन मुझे हालात लग रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगी। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश